नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मिचन भाई प्रथमे देखबा हेडलाइंस रहस्य घेरे पटनागढ़ मृत्यु मामला हत्या संदेह दुई अटक थाना पहुंचले मृतकों पांच पुओ गतकाली निर्मम भाव परिवार रो छह जनों को करा जायतिला हत्या राज्य में हजारे तले संक्रमण 24 घंटे 986 पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटीन 572 स्थानीय संक्रमण 414 खोर्धार सर्वाधिक 112 दीपावली परे बिहार रे हेबो राजभिषेक नवंबर 16 रे शपथ नेबे नीतीश कुमार सप्तम थर पई बिहार रो मुख्यमंत्री भाबे नेबे शपथ बिहार विधानसभा रे एनडीए को मिलिछि 125 आसन विजिलेंस जाल रे कोटिपति किराणी धर्मशाला सब रजिस्ट्रार ऑफिसर किराणी रत्नाकर महांती घरे विजिलेंस रेड एपटे भुवनेश्वर सब कलेक्टर ऑफिसर वरिष्ठ किराणी घरे चढ़ाऊ नयगढ़ में नकली सचिव गिरफ बीजेडी छत्र छाया तले कारबार चलाइथिले कानू प्रधान विभिन्न विभाग सचिव परिचय दे 5 कोटी ऊर्ध टंका ठकी कार सह नकली कागजपत्र जबत बीजेपी बिहार विजय उत्सव में मोदी संबोधन कहले देशर प्रति कोण में पहुंची बीजेपी कालीर जनादेश स्पष्ट कला एकविंश शताब्दी गोटे मुद्दा विकास दलित शोषित पीड़ितों स्वर बीजेपी आज कैबिनेट बैठक अतिरिक्त बजेट नहीं हेबो आलोचना नवीन निवास वर्चुअल कैबिनेट बैठक रे अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शेषे 14 में फेर शीत अधिकांश स्थान में 2-3 डिग्री जाए ह्रास पाव तापमात्रा दक्षिण पश्चिम पूर्व केन्द्र बंगोपसगर में सृष्ट लघुचाप प्रभाव में राज्य किसी स्थान में वर्षा बुलेटिन आरंभ करिबा एक गुरुत्वपूर्ण खबर रहस्य घेरें बलांगीर पटनागड़ मृत्यु घटना गतकाल गोटे पर छह जन को अति निर्मम भाव हत्या करा तेज आज मृतकों पांच पु थाना पहुंची एवं हत्या घटना नहीं किसी लोकों हाथ सन्देह कर घटन पुलिस दुईज को अटक रखी पूर्व शत्रुता को नहीं हत्याकांड अनुमान अनेपटे पर लोक न्याय दावी करय न मिले समस्ते आत्माहुति देवे धमक देते आमर माँ बापा भणी भाई सबू थी आज्ञा मो बड़ भाई झीओ थी समस्त को मारिदे हत्या कर दे समस्त को आम केमी जीवी इंसाफ दिए मत समस्त को धरिक आनीकोरी समस्त को फांसी दियो ना से मानक फांसी न दे पारे आम को दे दियो आम मरी जीव आम माँ बापा ना तो आम जीकर कौन मिले बाबू मुझ डिमांड कर फांसी हो मो माँ बापा को जमती मारा से मानक फांसी हो सेटा तो नहीं जानबार आज आम से तो नहीं जानबार जेन्ता भी है को फांसी हो जेन्ता भी नुरी धरी कर ना आम निजे समस्त पेट्रोल ढाल कर घर जेन्ती से जेन मरी आम से जगह मरीज आमर कहीं ना राज्य में हजारे तले संक्रमण 24 घंटे 986 पॉजिटिव चिन्हट होती क्वारंटीन 572 स्थानीय संक्रमण 414 रही है खोर्धार सर्वाधिक 112 पॉजिटिव चिन्हट होती बिहार रे पुणी थरे मुख्यमंत्री हेबाको जाउछंती नीतीश कुमार राज्य रे एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिली तेणु दीपावली परे मुख्यमंत्री भाव शपथ नेबे नीतीश खबर अनुसार 16 नवंबर रे नीतीश को शपथ ग्रहण समारोह हो पारे सप्तम थर लगे नीतीश कुमार बिहार रे मुख्यमंत्री हेबे 2000 मसीहा रु से बिहार रो मुख्यमंत्री रही आसीछंती बिहार रे एनडीए मेंटो रे बीजेपी सबुठारो बड़ दल हेबा परे अनुमान करा जाउथिला बीजेपी मुख्यमंत्री पद पाई करि पारे गतकाली बीजेपी मुख्यालय रे कर्मी को संबोधन बेले मोदी स्पष्ट करथिले जे नीतीश को नेतृत्व में ही बिहार में एनडीए सरकार हेबो गतकाली संध्या रे निर्वाचन फलाफल नहीं नीतीश प्रतिक्रिया देथिले नयगढ़ में नकली सचिव गिरफ बीजेडी छत्र छाया तले रही चलते कारोबार गिरफ व्यक्ति जनक खोर्धा टांगी अंचल कान्हू प्रधान से नयगढ़ में निजक विभिन्न विभाग सचिव बोली कही लोकं चून लगाउथिले चाकरी ट्रांसफर प्रमोशन आदि कराई देबा बहाना रे से लोकं चून लगाउथिले तबे नयगढ़ चांदपुर थाना तांकु गिरफ करछि कान्हूंक ठारु पुलिस एक कार और बहु नकली कागजपत्र जबत करछि
नयागढ़ नकली सचिव गिरफ बिजेडीर छत्र छाय तले रही चलाउथिले कारबार गिरफ व्यक्ति जनक हेउछंती खोर्धा टांगी अंचल कानु प्रधान तेबे से नयागढ़ निजको विभिन्न विभाग सचिव बोली कहिकी लोकंकु चुन लगाउथिले बा ठकी चलीथिले चाकरी करै देबा ट्रांसफर करबा एवं प्रमोशन देबा बोली अनेक प्रकार बहाना रे से लोकंकु चुन लगाइछंती तेबे नयागढ़ चांदपुर थाना पुलिस तांकु गिरफ करिछि तांक निकटरु अनेक प्रकार नकली कागजपत्र सह एक कार जबत करछि पुलिस। विजिलेंस जेलरे कोटिपति किराड़ी धर्मशाला सब रजिस्ट्रार ऑफिसर किराड़ी रत्नाकर महांती चहटा स्थित बासभवन उपरे चढ़ाउ करछि विजिलेंस आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे विजिलेंस टीम चढ़ाउ करछि एने विजिलेंस इन्स्पेक्टर अनिता शतपथी सूचना देछन्ते आज भोर तांको घर समेत सातटी स्थान रे विजिलेंस चढ़ाउ करछि आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल करिबा अभियोग रे आज रत्नाकर महांती जेकि सब रजिस्ट्रर ऑफिसर अच्छा धर्मशाला रजिस्ट्री क्लर्क अच्छा घर और शशुर घर एवं जो अन्य जगार घर अच्छी जारका इत्यादि सातटा जगार आज सका रेड चली बर्तमान जाए आम चार्टा पांचटा घर पाइचु चार्टा घर पाइचु घर विपुल परिमाण में हार्ड केस जबत हो सुना गहना सब जबत हो आठ नौ लक्ष टा घर आम एपर्त गणीचु एपटे भुवनेश्वर सब कलेक्टर ऑफिसर वरिष्ठ किराणी घर विजिलेंस चढ़ाऊ करछि विजिलेंस जेल में फसी वरिष्ठ किराणी उदयनाथ जेना आय बर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग में विजिलेंस चढ़ाऊ करछि सुंदरगदा राजनगर ऑफिस रे चढ़ाऊ करछि विजिलेंस टीम बीजेपी रो बिहार विजय उत्सव बिहार राज्य रो विधानसभा निर्वाचन एवं केतेक उपनिर्वाचन रे विपुल विजय हासिल करबा परे बुधवार संध्या रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय रे हजार हजार दलय कर्मी मानकु उद्बोधन दे कहिसंती जे बिहार रो नीरव वोटर माने कथा कहिबा सह बीजेपी को आशीर्वाद करछंती बीजेपी रो बिहार विजय उत्सव बिहार राज्य विधानसभा निर्वाचन एवं केतेक उपनिर्वाचन रे विपुल विजय हासिल करबा परे बुधवार संध्या रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआदिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय रे हजार हजार दलय कर्मी मानकु उद्बोधन दे कहिसंती जे बिहार नीरव वोटर माने कथा कहिबा सह बीजेपी को आशीर्वाद करछंती से कहिसंती लोके आमको वोट देले बोली नहि बड उद्दीपनार सह आमे गणतंत्र रो एही उत्सव पालन करबा कारणरु आपण मानकु धन्यवाद देशर मात्र केतोटी अंचलरे निर्वाचन अनुष्ठित होइथिले बि समग्र देशवासीक ध्यान न्यूज चैनल ट्विटर एवं निर्वाचन कमिशन को पठिला मैं आज आभार व्यक्त करता हूं महान देश की महान जनता का मैं आज धन्यवाद अर्पित करता हूं देश के कोटि कोटि नागरिकों का धन्यवाद इसलिए नहीं कि उन्होंने चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता दी है इसके लिए तो वो हकदार है ही धन्यवाद इसलिए क्योंकि लोकतंत्र के इस महान पर्व को हम सभी ने मिलकर बहुत उत्साह से मनाया है चुनाव भले ही कुछ सीटों पर हुआ हो कुछ क्षेत्रों में हुआ हो लेकिन कल सुबह से लेकर देर रात तक पूरे देश की नजरें टीवी पर थी ट्विटर पर थी
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थी। लोकतंत्र के प्रति हम भारतीयों की जो आस्था है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। चुनाव नतीजों में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन चुनाव की एक प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। इसलिए मैं पूरे देश को बधाई देता हूं, कोटि कोटि देशवासियों का धन्यवाद करता हूं। इस चुनाव को सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग, देश के सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन भी बधाई के पात्र है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार विजय श्रेय दे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद ज्ञापन करते। यही अवसर में केंद्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नुआ दिल्ली स्थित दलय कार्यालय बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेटी बिहार समेत विभिन्न राज्य में उपनिर्वाचन में मिली सफलता मंत्री समूह अभिनंदन जन। अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लाखों करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से जहां मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वहीं जो उन्होंने अथक प्रयास देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया है वह सच में देश को एक नई दृष्टि और दिशा देने वाला है। यह भी चुनाव जो कल संपन्न हुआ, यह चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं था, यह चुनाव लद्दाख से लेकर के तेलंगाना और कर्नाटक के उपचुनाव भी थे, ये गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट तक के भी उपचुनाव थे। और इन चुनाव में बिहार समेत जिस तरीके की जीत भारत की जनता ने और बिहार की जनता ने दिया है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास के कारण लोगों ने जो जन समर्थन दिखाया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विजय उत्सव अवसर में अतीत को स्मरण कर प्रधानमंत्री मोदी कहते दिने बीजेपी दुईट आसन पाई आम दुईट सुजोगे यात्रा आरंभ करूँ कि आज आम सबुठ यह किपरी है गतकालीर जनादेश ही तार उत्तर रही लोके आम योजना को भरोसा करते विकास ही आमर एकमात्र निर्वाचन प्रतिश्रुति। आसंता 20 तारीखर बसुची राज्य विधानसभा अधिवेशन यार अव्यवहित पूर्व आज राज्य कैबिनेट बैठक अनुषित हो आज अपराह 5:30 बैठक बस अतिरिक्त बजेट को अनुमोदन सूचना मिली। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नवीन निवास वर्चुआल कैबिनेट बैठक में अध्यक्षता करेंगे और अन्य मंत्री अनलाइन भाग ने मुख्य सचिव अन्य उच्च अधिकारी सचिवालय कार्यक्रम में सामिल हे। आसवा पाणिपाग संपर्कित खबर को आसंता दुई दिन पर्यंत अपरिवर्तित रहिबो पाग 14 तारीख ठारु पागरे परिवर्तन आसिबो अधिकांश सहरर रातिर तापमात्रा 2-3 डिग्री पर्यंत कमिबा सह थंडा अनुभूत हेबो बोली आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना रहिछि। अन्यपटे दक्षिण पश्चिम पूर्व केन्द्र बंगोपसागर संलग्न अंचल रे एक ड्रॉप लाइन सृष्टि होइछि प्रभावरे उपकूल ओडिसार केतेक स्थान रे हालुकारु मध्यम वर्षा होइछि। आसंता 48 घंटा मध्यरे दक्षिण ओडिसा रे अधिकांश स्थान रे सर्वनिम्न तापमात्रा सामान्य वृद्धि पाइबो। आसवा परवर्ती खबर को लिंगराज मंदिर परिसर हाट और यार आखपाख अंचल बीएमसी पक्षर आरंभ है सफे कार्यक्रम स्वच्छ सर्वेक्षण नहीं मु सफेपाला कार्यक्रम को दुई दिन तले कमिश्नर आरंभ करने पर आज बीएमसी कर्मचारी स्वयं सहायक गोष्ठी एनजीओ कर्मकर्ता एकाठी हो सहर परिक्रमा करते ओदा सुखिला बर्ज्यवस्तु कि अलग अलग रखा से नहीं लोक बुझाई थे। बीएमसी अधिकारी और सचेतक मैंने हाट परिक्रमा करने लोक सचेतन कर।
बालेश्वर जिला खंतापड़ा थाना 16 नंबर जातीय राजपथ सेरगड़ निकटे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना दुर्घटन में माँ पुओंकर मृत्यु होइछि। सोर माणिपुर अंचल सुकांति सेनापति पुओ रोहित सेनापति और पुतुरा भगवान सेनापति सकाळे गोटे स्कूटी बालेश्वर डाक्तरखाना को जाइथिबा बेले सेरगड़ निकटे एक अजणा गाड़ी धक्का देइथिला। घटनास्थल में मार मृत्यु होइथिबा बेले पुओर हस्पिटाल मृत्यु होइछि एवं पुतुरा को गुरुतर अवस्था बालेश्वर मेडिकल को स्थानांतर कर। गजपति जिलार काशीनगर एनएससी अंचल उन्नति दाबी आज काशीनगर जनसाधारण राजरास्ता को बहु पुरातन एही एनएससी रे विकास होनुथिबारु आज जनसाधारण पक्षरु राली सह एनएससी कार्यालय घेराव करा जायथिला। जबरदखल उच्छेद टाउन हॉल निर्माण गेस्ट हाउस जिम्नासियम पब्लिक लाइब्रेरी प्रभृति प्रतिष्ठा दाबी रे बहु संख्या रे काशीनगर एनएससी बासिंदा विक्षोभ प्रदर्शन करबा सह एक दाबीपत्र काशीनगर एनएससी कार्यनिर्वाही अधिकारी सत्य संपन्न राउत को प्रदान करथिले। मिसेस महारथी ना जूनियर महारथी, पिपिली उपनिर्वाचन में किए फुंकिब शंख, माँ पुओ को नहीं पिपिली बिजेडी रे टणाउटरा। प्रदीप महारथी मृत्यु पर पिपिली विधानसभा आसन किए हेबो बिजेडी प्रार्थी ताकु नहीं बढ़ुची सस्पेंस। मिसेस महारथी ना जूनियर महारथी, प्रतिभा मैडम ना रुद्र, पिपिली उपनिर्वाचन रे किए फुंकिब शंख, माँ पुओ को नहीं पिपिली बिजेडी रे टणा उतरा। प्रदीप महारथी मृत्यु पर पिपिली विधानसभा आसन किए हेब बिजेडी प्रार्थी ताकु नहीं बढ़ुचे सस्पेंस। रेस रे महारथी परिवार रो दुई सदस्य प्रदीप महारथी पत्नी प्रतिभा महारथी और पुओ रुद्र महारथी बिजेडी रे एबे दुई गोष्ठी। राजनीति दूर प्रतिभा सपक्ष में बाहरी दलर पुरुखा नेता और कर्मी ना पिपिली और डेलांगे बैठक में मोहर बाजि कथा भी चर्चा होपटे कि सोशल वर्क में सक्रिय रुद्र होती छात्र और युव बिजेडी पसंद माँ और पुओ को नहीं पिपिली बिजेडी दुई फल विशृंखला किसी हमने बर्तमान विजु जनता दल पिपिली निर्वाचन मंडल पिपिली ब्लक जो अवस्था अच्छा से महारथी बाबू को स्वर्गत महारथी बाबू को नेतृत्व को सम्मान जनइबे ताहि कार्य हम जोटा कि दल निष्पत्ति कर दलर दलपति मान्यवर नवीन पटनायक जे कि राज्य सभापति जिला सभापति अच्छा नेतृत्व को आम सम्मान देबो से जोटाक स्थिरीकृत करेंगे दल ताक मानि नब जमी प्रदीप महारथी जमी युवक साथी थे जमी प्रति लोकर दुआरे जा बसुले कि असुविधा हेले से भाव सी पिपिल डेलांग चाहिए जन युवक साथी की चाहते तेणुक पुओ रुद्र प्रताप महारथी हेले लोक सो मच भाव सपोर्ट करेंगे और विजु जनता दल समस्त कार्यकर्ता एवं विजु युव और छात्र महिला समस्त विजु जनता दल कार्यकर्ता सपोर्ट दे आगे ने सेपटे पिपिली उपनिर्वाचन में आश्रित पटनायक बीजेपी प्रार्थी होगा एक प्रकार निश्चित आश्रित एवं पूरी जिला बीजेपी सभापति 2019 से पिपिली विधानसभा आसन निर्वाचन लड़ी महारथी को टक्कर देते आश्रित को मिलता 72731 भोट कांग्रेस प्रार्थी को मिलता मात्र 9830 भोट। कांग्रेस उपनिर्वाचन पर आशायी संख्या बढ़ने लगी बुझा मैंने साधारण लोकर चर्चा हो बजार घाटे चर्चा होक अनुभव करगत दिन में जो अदृश्य बुझाणा होता राजनीतिक दल मान सहित मिसिकी जो प्रकार बीजेपी विरुद्ध जो बुझाणा होता लोक ग्रहण कर सारे आर जवाब भोट मध्यम प्रतिफलित करेंगे पाठ पढ़ीजे मैंने निश्चिंत तो भल फल करवा आशा मुझे दल रही दिन है निश्चिंत टिकेट आशाटा रही स्वाभाविक कितु दलर हाइकमाण्ड निर्भर मत दिखती मुझ दल मत विषय समस्त कर्मी की एकाठी कर एवर्ष रण ये उपनिर्वाचन जितने पूर्ण चेष्टा कर पिपिली बैटल समर सजा सब दल आरंभ करेंगे रणनीति तेज बीजेडी बड़ चैलेंज क्या देवे टिकेट माँ को ना पुओ को। पुरी जिला पिपिली दुर्गामाधव परिणाम रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कोविड विरोध में चली युद्ध को बड़ सफलता आशा देखा आमेरिकार फाइजर फार्मा विकसित कोविड 19 वैक्सीन फेज 3 ट्रायल 90% रु अधिक फलप्रद होता सूचना।
କୋଭିଡ୍ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଶା ଦେଖାଇଲା ଆମେରିକାର ଫାଇଜର ଫାର୍ମା। ଆମେରିକାର ଫାଇଜର ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଓ ଜର୍ମାନୀର ବାୟୋ ଏନ୍ ଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କୋଭିଡ୍ 19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫେଜ୍ 3 ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ 90% ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 94 କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଦେହରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ଫଳ ମିଳିଥିବା କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ତେବେ ଫେଜ୍ 3ରେ 43,538 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ଟିକା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କାହା ଶରୀରରେ ଏହା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଟିକା ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆମେରିକା ଦେଇପାରେ ସୂଚନା। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। Because in the phase 3 trial, where more than 40,000 patients were vaccinated, some got the vaccine, some got placebo, and they followed them up to see how many of them got COVID-19, it showed high efficacy in terms of almost 90% efficacy. ତେବେ 164 ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଏହି ଟିକା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏହି 2 ଡୋଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବାର 7 ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ ଏହା 90%ରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଥିବା କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବାର 28 ପରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏହି ଟିକା 90% କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଇ ଆସିଥିବା ଏହି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବୁକି ଗିରଫ। ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଲାଗୁଥିଲା ଟଙ୍କା, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସଟ୍ଟା କାରବାର ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ। ଆଜିକୁ ମିଶାଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସଟ୍ଟା ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ସ୍ଥାନ ହୋଇଛି କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଦୁବାଇରେ ଚାଲିଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଚାଲିଥିଲା ଖେଳ। ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରତିଟି ରନ୍, ୱିକେଟ୍ ପିଛା ଉଡ଼ୁଥିଲା ଟଙ୍କା, ଆଇପିଏଲ୍କୁ ନେଇ ଲାଗୁଥିଲା ସଟ୍ଟା, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଟିଂ, ବୁକି ସାଜି ବଡ଼ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଗଲା ସୁରାକ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତେଲିଭଟ୍ଟାରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଜାହାଙ୍ଗୀର ହୁସେନ। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମିଳିଛି ପ୍ରାୟ 28,000 ଟଙ୍କା, 2 ମୋବାଇଲ, ପାସ୍ବୁକ୍, ଏଟିଏମ୍ ଓ ନୋଟ୍ବୁକ୍। କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ, ସବୁ ଓଭରରେ ଲାଗୁଥିଲା ବାଜି, ଆଉ ଘରେ ବସି ଟଙ୍କା କମାଉଥିଲେ ବୁକି ଓ ଗ୍ରାହକ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବେଟିଂ ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ବେଲପାହାଡ଼ ପୋଲିସ ଗତ 6 ଛତିଶଗଡ଼ର ଏକ ବେଟିଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ସଟ୍ଟା। ବେଲପାହାଡ଼ର ଏକ ହୋଟେଲରେ କାରବାର ଚାଲୁଥିବା କଥା ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ 1,00,000 ଅଧିକ ଟଙ୍କା, 20 ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓ କାର୍ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ନଭେମ୍ବର 4 ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସି ବେଲପାହାଡ଼ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୁକିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଛି କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମସ୍ତ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।